श्री राधे राधे। आज का एक प्रश्न है कि महाराज जी भक्ति तो करते हैं परंतु मन सही से लगता नहीं है, क्या करें। मैंने एक वीडियो में भी इस बात की चर्चा करी है, परंतु मैं एक दूसरे भाव से इसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि द्वे द्वे किए ना बात बने, द्वे द्वे किए ना बात बने, द्वे ते दस हुए हैं घट, छूटे हटकत क्यों न मने। भैया सबसे बड़ो चक्कर का है, रसिकाचार्य ने कही है कि मन तो तुमने दो दो तरफ बांट रखियो है, एक संसार को दे रखियो है और एक ठाकुर जी को दे रखियो है। अब आप खुद सोचियो कि ठाकुर जी को कितनो दियो है और संसार को कितनो दियो है, तो जो जितनो जहां पे दियो होएगो उतनो ही मुनाफा वहां पे होगा। भाई किसी ने कहवे ना कि जाने 10 रुपया दिए भाई 20 रुपया को प्रॉफिट है गयो, और किसी ने 2 रुपया लगाए भाई 4 रुपया को प्रॉफिट भयो, भयो दुगना ही, परंतु कितनो लगायो ये बड़ो जरूरी है। सो ठीक वही प्रकार से आपने अपने बा एक मन को दो दो जगह बांट रखियो है, एक आपने संसार में दियो है, दूसरो आपने इस भगवतीय बुद्धि रख के आपने ठाकुर जी के श्री चरणारविंदन में दे रखो है। तो अब मैं आपसे एक ही बात पूछूं, कितनो आपने इन्वेस्टमेंट ठाकुर जी के चरण में करो है और कितनो इन्वेस्टमेंट आपने इस संसार में करो है। संसार में करो होगो तो संसार के प्रति प्रेम बढ़ना शुरू है जाएगा, ठाकुर जी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो होगो तो ठाकुर जी एवं ठाकुर जी के परिकर में, ठाकुर जी के साधुओं में, इन ठाकुर जी की जितनी भी वस्तुएं हैं और जितना भी अनुकरणीय योग्य जो शास्त्र हैं उनमें ही आपका मन समाविष्ट हो जाएगा। सो आप समझदार हैं, पर आपको फिर से मैं इस बात की याद दिला दूं कि आपके ऊपर है ही है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनो प्रॉफिट पाएंगे। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूं कि आपको इन्वेस्टमेंट ठाकुर जी के चरण कमलन में होए, जिससे वह सुख, वह आनंद, वह परमानंद, वह दिव्यानंद, वह रसानंद आपको प्राप्त होतो रहे। जय जय श्री राधे।